किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है हम। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ हमने इस तरीके से यहां पर इंटरक्रॉपिंग की है, छोटे लेवल पर की है और छोटे सी जगह में की है, लेकिन हमने यहाँ पर धनिया के साथ बैंगन की इंटरक्रॉपिंग की है। तो यहाँ पर हमारी मुख्य फसल जो है वो बैंगन है, उसी के साथ साथ धनिया की फसल हमने एक्स्ट्रा ऐड की है। तो धनिया की हार्वेस्टिंग अभी एक से दो दिन के अंदर हो जाएगी, दो तीन दिन के अंदर। और अभी आप देख सकते हैं कि बैंगन पर भी इस तरीके से फ्लावर आना शुरू हो चुके हैं, तो अभी कुछ दिनों पर इस पर भी फ्रूट आएंगे और इसकी भी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर आप बैंगन लगा रहे हो या फिर कोई अन्य फसल लगा रहे हो तो इस तरीके से आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। और काफ़ी लो बजट में हमने यहाँ पर बैंगन की खेती की है, काफ़ी कम खर्चा लगा के हमने यहाँ पर बैंगन की खेती की है। न तो यहाँ पर एडवांस तरीके से प्रिपरेशन की गई है, न तो हमने यहाँ पर ड्रिप का उपयोग किया है, न ही मल्चिंग का उपयोग किया है। हमने सिंपल सी यहाँ पर 5.5 फीट की क्यारियाँ बना ली हैं। 5.5 की क्यारियों के अंदर हमने धनिया लगा दिया है। क्यारियों की जो धारियाँ थी, जो ऊपरी हिस्सा था जिसकी वजह से पानी रुकता है, उस हिस्से पर हमने यहाँ पर बैंगन लगा दिया है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर बैंगन से बैंगन की दूरी और जो प्लांट है, प्लांट से प्लांट की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखी गई है। तो बैंगन के प्लांट से प्लांट की दूरी हमने यहाँ पर 2 फीट रखी है। आप 3 फीट भी रख सकते हैं, 3.5 फीट भी रख सकते हैं, जैसे आपके बैंगन की वेराइटी है उस वेराइटी के हिसाब से आपको इसमें डिस्टेंस रखना होती है, क्योंकि बैंगन का जो पौधा होता है काफ़ी ज़्यादा फैलता है, तो आपको इसमें डिस्टेंस ज़्यादा रखने की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पर 2 फीट रखी है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी हमने यहाँ पर 5.5 फीट रखी है। और 5.5 फीट इसलिए रखी है ताकि बैंगन जब फैल जाएगा तो हमें निकलने में काफ़ी आसानी हो। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर धनिया की इंटरक्रॉपिंग करी है, जैसे कि गर्मी का समय आने वाला है, फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल मई में धनिया का रेट काफ़ी टाइट रहता है, और उस टाइम पर अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं, छोटे लेवल पर कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ हिस्से में इस तरीके से भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर नर्सरी से पौधे मंगाए थे बैंगन के, और उसी बैंगन को हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। करीब 600 प्लांट हमने यहाँ पर लगाए हैं, देखते हैं इन 600 प्लांट से हम कितना उत्पादन ले सकते हैं। तो धनिया की खेती अगर आप मार्च अप्रैल मई में करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। धनिया की कुछ वेराइटियाँ हैं, उन पर भी हमने वीडियो बनाई है। धनिया में जो खरपतवार होता है उसको कैसे नियंत्रण करना है, उस पर भी हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस चैनल को हर किसान भाई सब्सक्राइब करके रखे ताकि आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी लगभग सभी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अदरक, प्याज, अरबी, आलू, मक्का, गेहूं, सभी की जानकारी आपको समय समय पर हमारे चैनल पर मिलती रहती है। उसी के साथ साथ इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, दवाइयों के बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहते हैं। बेहतर होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, यही आपको दिखाना था, आगे भी हम दिखाएंगे। अभी धनिया इसमें से एक दो दिन के बाद निकल जाएगा, उसके बाद बैंगन कैसा है, बैंगन पर हम एक वीडियो डिटेल से लेकर आएंगे शुरुआत से अंत की, कि किस तरीके से हमने इसको लगाया, किस तरीके से इसमें खाद मैनेजमेंट लेना है। और काफ़ी लो बजट में हमने यहाँ पर खेती करी है, ना तो इसमें ड्रिप मल्चिंग का उपयोग किया है, सिंपल सी क्यारियाँ बनाई हैं, क्यारियों में धनिया डाल दिया और धनिया उसी क्यारियों के ऊपर हमने यहाँ पर बैंगन लगाया है। बैंगन की ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, हरापन और ना तो किसी प्रकार की समस्या इस पर है। तो इस तरीके से आप भी मिश्रित खेती करके अच्छा मुनाफा कमाएँ, यही हमारी आपसे उम्मीद है। और हर किसान भाई नए नए प्रयोग करते रहे, और यह थोड़ा सा हमने छोटे लेवल पर प्रयोग किया और सोचा कि आपको दिखाया जाए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो, प्रयोग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसान भाई शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।